दोस्तों, अगर आप यहां पर इंडिया में जियो के 5G नेटवर्क का वेट करें तो आज आपके लिए फिर से एक काफी अच्छी गुड न्यूज निकल कर आ चुकी है, जो कि आज के इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जियो अपना 5G नेटवर्क जो है वो यहां पर रोल आउट करने के लिए पूरा तैयार हो चुका है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि अब दोस्तों यहां पर एक रिपोर्ट निकल रही है जहां पर यह कहा जा रहा है कि इंडिया में जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं वहां पर IMC होने वाला है, और जो 5G का रोल आउट है वो यहां पर IMC के बाद में होने वाला है, और जो IMC है वो यहां पर 1 से लेकर 4 अक्टूबर तक होने वाला है। तो 1 से लेकर 4 अक्टूबर के बाद, मतलब आप कह सकते हैं कि 4 अक्टूबर के बाद जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जो है वो यहां पर जो मेट्रो सिटीज है, जो की मेट्रो सिटीज है इंडिया में, उन सिटीज में अपने 5G नेटवर्क का जो रोल आउट है वो स्टार्ट कर देंगी। जियो ने तो ऑलरेडी कंफर्म कर दिया कि हम मेट्रो सिटीज में अक्टूबर के महीने में 5G लेकर के आ रहे हैं, और यहां पर जो स्टार्टिंग है वो 4 अक्टूबर के बाद से होने वाली है। सभी जो टेलीकॉम कंपनीज है वो यहां पर 4 अक्टूबर के बाद 5G नेटवर्क का जो रोल आउट है वो यहां पर की मेट्रो सिटीज में करने वाली है इंडिया में। तो ये अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो कि की मेट्रो सिटीज से हैं, और जो लोग नहीं है उनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं इस चीज का। तो अगर आप की मेट्रो सिटीज से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके एरिया में जल्दी ही 5G नेटवर्क आने वाला है। ये महीना लगभग अब खत्म ही होने वाला है, 10-12 दिन और बचे हैं इस महीने में, और इसके बाद में अक्टूबर आएगा। अक्टूबर में काफी सारी चीजें होने वाली हैं, और सबसे बड़ी चीज होने वाली है कि जो एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया है वो अपने 5G नेटवर्क को रोल आउट करना स्टार्ट करेंगी। और रोल आउट करना जब स्टार्ट कर देंगे तो पूरा प्रोसीजर पता चल जाएगा कि 5G सिम चाहिए नहीं चाहिए, क्या स्पीड आ रही है, स्मार्टफोन चाहिए, सारी डिटेल हमें पता चल जाएंगी। और दोस्तों यहां पर जियो के 5G प्लान को लेकर के एक अपडेट आई है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जियो का जो 5G प्लान होने वाला है वो यहां पर एयरटेल और वोडाफोन से सस्ता होने वाला है। जितनी भी टेलीकॉम कंपनी इंडिया में, उन सभी कंपनी से सस्ते में जियो जो है वो यहां पर अपने 5G नेटवर्क को इंडिया में प्रोवाइड करने वाला है, 5G डेटा को प्रोवाइड करने वाला है। और यहां पर ये भी कहा जा रहा है कि जियो का जो 5G डेटा प्लान होगा वो 4G के ही सिमिलर होगा। अभी जो 4G का डेटा प्लान है जियो का, उसी के प्राइस पॉइंट पर, उसी के सिमिलर प्राइस पे आप कह सकते हैं कि जो 5G प्लान है वो भी यहां पर इंडिया में आने वाला है। उतनी ही प्राइस पॉइंट पर आपको जो डेटा है वो यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो ये अच्छी बात है कि ये लोग ज्यादा प्राइस नहीं रखने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों यहां पर काफी लोगों का कहना था कि क्या 5G स्मार्टफोन लेना होगा जियो का 5G सिम का, 5G जियो का 5G नेटवर्क यूज करने के लिए। तो ऑब्वियसली आपको एक 5G स्मार्टफोन लेने की जरूरत पड़ने वाली है। अब 5G सिम लेना होगा कि नहीं, इसके ऊपर अभी कंफ्यूजन है, क्योंकि जियो जो है वो स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, जिसमें ये लोग 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं। 4G इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी चीजें इसमें यूज नहीं होने वाली है। तो ऑब्वियसली 4G सिम एक 4G इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, तो ऑब्वियसली यहां पर चांस बनता है कि आपको एक 5G सिम कार्ड भी लेना पड़ेगा। बाकी देखते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या होता है। इसके साथ दोस्तों काफी लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि भाई की मेट्रो सिटीज में सबसे पहले जो जियो है वो अपने नेटवर्क को रोल आउट करने वाला है, तो क्या ऐसा कुछ है कि ये लोग कुछ फ्री में भी कुछ दिन तक जो नेटवर्क है वो यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि दिवाली तक या फिर इस साल के एंड तक, दिसंबर तक ये लोग ट्रायल के लिए नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जियो जो है यहां पर इस साल के लास्ट तक फ्री में नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। बाकी देखते हैं, ये लोग 5G ऑफर भी लेकर के आ रहे हैं, तो देखते हैं उस ऑफर में क्या होता है, और जैसे ही ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपके साथ में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या की मेट्रो सिटीज से हैं, दिल्ली वगैरह से हैं या फिर नहीं है, अपना ओपिनियन में जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों यही था उस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।